अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, जिस तरह के दोस्तों ए सोच जेड़ा है इंटरनेट दी केबल चेक करने वास्ते आ, ते ए फॉल्ट इस टाइम ये आ गया है कि ए केबल तो चेक कर रहा है लेकिन ब्लिंक जेड़ियां लाइटा ने ना वो सारियां नहीं कर रही। मसला तो है वे, ते बैटरी लो होने की वजह तो मेरा ख्याल इस हाले नज़र नहीं आ रहा। तो इस फॉल्ट है वे कि दो नंबर लाइट जी है ना वो मिस कर जाती है। तो बकाया सोच ठीक है, हम मसला हल करने वास्ते इनू असी खोलां दे ते फिर देखने ये अंदर की फॉल्ट है। बैटरी डाउन है, इस वजह तो ही लाइटा जड़िया ने ब्लिंक सही नहीं कर रही। इन वोल्टेज देख भी देख लें, ठीक है ये अंदर 9 वोल्ट की बैटरी होंगी है। स्विच खुल गया, देखने उनकी मसला है, इतने प्रॉब्लम की है। दोबारा टेस्ट करने हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि मसला है। लग जा यार, लग गई है, बस थोड़े नाड़ी बंदे हाले ज़रा कारीगरी सीखने तो टाइम लगता है। इंशाल्लाह तुहाडे दोस्तों का तामा रहा तो चा चे भी सीखी जाएगी आस्ता आस्ता, तो तुहाडे दोस्तों नाल मालूमात भी शेयर होंगी रहेगी। ऐसे हूँ इन सप्लाई तो वोल्टेज देते ने, ते हूँ तुम क्लियर नज़र आए था कि मसला की है। ये देखो दो नंबर लाइट मिस हो रही है बार बार ना। प्रॉब्लम तो एड्डी वड्डी नहीं होंगी, ये आई सी जड़ा है वो CD4017 लगा होंगे है। SMD भी आई सी है तो दूसरा भी आई सी है, पहले बड़िया पिना वाला आता सी ते हूँ SMD IC आ रहा है। मसला तो IC का नहीं है, मसला ज़्यादा है देखो इतों ही आता है क्योंकि ये अंदर जड़िया पिना होंगे लोहे दी होंगे, जिस तरह जैक लगता है लथदा है ये हिलता है, इस वास्ते इनू अल्फी लाती है कि जेड़ा जैक लथन ते नाल ना ये हिले ना, एक पकड़ बनी रहे ताकि मजबूत रहे। कोई भी दोस्त है नवा सोच खरीदा है असल जो चाइना का मटेरियल है नाकस सोचे क्योंकि अच्छी क्वालिटी का तो होंगे नहीं है, तो इस वास्ते उन्होंने खोल के ते सब तो पहले वोदिया साइडा चे हल्की हल्की अल्फी लाए बहुत ही सारी ना ला दे ताकि वो जड़िया ए अंदर पॉइंट ने उन्होंने अल्फी चंबड़ जाए, तो वो दोस्त मैनू पाचो बुरा भला कहता रहे। हल्की हल्की लानी तो तरीके ना लानी ताकि अंदर ना जा सके वो, बस बाहर बाडी नू लग जाए ज़रा मजबूती हो जाए, उद्दा सोच जड़ा है ज़्यादा टाइम तक चलेगा, यानी कि वो टाइम भी अच्छा चलेगा। तो जड़ा पॉइंट खराब हो जाते हैं उत्तों टुट जाते हैं पॉइंट, तो वह भी नहीं टुटन दे, तो सोच बहुत अच्छा चलेगा। अल्फी लाद है फायदा है, मजबूत हो जाएगा जरा ग्रिप आ जाएगी, ए पिना जड़िया इन्हें भी असर नहीं होएगा क्योंकि हिलजुल खत्म हो जाएगी, तो हिलजुल नहीं होएगी तो फॉल्ट नहीं आएगा जल्दी, सोचे ज़्यादा लाइफ तक चलेगा। तो हम असी देखने ये पॉइंट कि मसला कर रहा है,
की प्रॉब्लम है अंदर। हेलो जी, दोबारा रख देता है। ठीक हो गया जी। ਇਹ ਸੁੱਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੁੱਚ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਡਬਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੁੱਚ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਲੋਸ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਪਿੰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਟ ਉਹੀ ਸੀ। ਆਈਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਟਿੰਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਛ ਸੋਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੇਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪੇਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ, 8 ਤੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ।